ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू विंग्स फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस जो बैकग्राउंड पेजेस है बिल्कुल HD में, तो गाइस कोई टेंशन की बात नहीं है कि यार आपको बैकग्राउंड वगैरह कैसा मिलेगा, तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूं एकदम HD में बैकग्राउंड पेजेस, तो आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना। एंड गाइस आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि यार जो मतलब मैं जो भी बैकग्राउंड पेजेस लगाऊंगा वो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाए, एंड जब आप एडिटिंग करने जाओ तो गाइस आपको ज्यादा हार्ड ना लगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इस बैकग्राउंड का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस आपको जाना फिर ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को जो है बिंग्स का PNG वाला, ठीक है। इसको ऐड करना है गाइस आपको क्या करना, आपको उसको पहले फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, एंड उसके बाद जो है आपको इसको जो है इस PNG को जो आपको ऊपर की साइड मिल जाएगा कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा ये, एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली कर देना डन। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर ये करना है, आपको जाना गाइस दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल का PNG, ठीक है। तो गाइस मैं मॉडल के PNG में जो गाइस स्मोक पहले से ही ऐड है, बट गाइस आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है स्मोक का PNG भी मिल जाएगा, तो आप लोगों को ये भी डाउनलोड कर लेना है एंड इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे डन कर देते हैं, एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना गाइस अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को ये जो विंग्स के जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स भी ऐड है विंग्स में पहले से ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, एंड इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से ऐसे रख देना, एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपकी फोटो में, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे से भी एकदम कर देना है डन। एंड गाइस देखिए अभी से हमारी फोटो कितनी मस्त लग रही है, तो अब हम चलते हैं ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम एक रोज़ का PNG। एंड गाइस रोज़ के PNG को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे तो पहले देखिए आपको जो है पहले इसका डुप्लीकेट बना लेना है, एंड इसको रख देना साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना अपनी, एंड फोटो को जूम करने के बाद इसको आपको रोज़ को जो है छोटा करना है, एंड इसको जो आपके नेक के पास यहाँ पे लगाना कुछ स्टेप से जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस पहले तो इसका इरेजर टूल में अभी कुछ छेड़ना नहीं है, आपको यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग मोड में, ठीक है। जैसे ब्लेंडिंग मोड में जाकर आपको उसको कर देना मल्टीप्लाई, एंड जस्ट आपको क्या करना, आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद जो है इरेजर टूल में जाना है, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद जो ऊपर से जो जितना भी एरिया है ये वाला आपको इसको यहाँ पे इरेज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको इतना इरेज करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे डन करना है, एंड उसके बाद जो आपने दूसरा जो डुप्लीकेट लिया था इसका आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस टाइप से। सो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद आपको करना है गाइस, आपको उसका साइज छोटा करना है, एंड इसको गाइस सेम साइज में रखना है जैसे आपको ने पिछला PNG रखा था ना जो पहले था, इससे उसी साइज में आपको उसको भी रखना है। एंड इसमें क्या करना है आपको, इसमें गाइस आप या तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करो या फिर आपको जो ग्रीन वाला पार्ट है आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी रखना, बट मैं पहले आपको बता देता हूँ आपको करना है, आपको पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, स्क्रीन करना है, वो आपको जो ऊपर का जो फायर है वो ब्राइट हो जाएगा, बट नीचे वाला जो ग्रीन वाला एरिया है इसका वो मतलब कि ब्राइट वो भी हो जाएगा, तो बट हमें वो ब्राइट नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका भी एक डुप्लीकेट बनाएंगे, एंड इसको साइड में रखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में, एंड यहाँ से इरेजर लेंगे, इरेजर से लेने के बाद हम नीचे से कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करेंगे इसका पार्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसको डन करेंगे, एंड उसके बाद जो हमने इसका डुप्लीकेट लिया था इसको हम सेम साइज में वैसे ही रख देंगे, ठीक है। एंड वैसे रखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस दोबारा से ब्लेंडिंग मोड में, ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो आपको उसको कर देना है स्क्रीन और नॉर्मल कर देने के बाद जाना आपको इरेजर टूल में, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद जो पहले नीचे का पार्ट इरेज करना है, एंड जो ऊपर का जो फायर वाला पार्ट था उसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो ये एकदम ब्राइट हो जाएगा, एंड आपका जो सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से लग जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो गया था उसको फील कर लेते हैं हम, एंड यहाँ पे गाइस इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम अब इसको कर देंगे हम यहाँ पे डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, तो अब क्या करना है गाइस आप लोगों को, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करनी है चैन की PNG, ठीक है, एंड इसको ऐड करना है। एंड इसमें आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको भी इसके मतलब फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, एंड ये ऑटोमेटिकली जो आपके हैंड में ऐड हो जाएगा, बट आप उसको ऊपर नीचे करके देख लेना किस जगह पे आपके हैंड में ऐड हो रहा है। अगर गाइस ये फुल स्क्रीन से नहीं होता है तो गाइस आपको जो इसको क्रॉप करके भी एक एक करके भी आप इसको लगा सकते हो, एंड कुछ पार्ट जो आपको रेज करके भी लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा हो सकता है, ठीक है गाइस। देखिए जैसे कि ये लग चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से, तो अभी क्या करेंगे हम इसको, अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ पे डन, ठीक है। तो इसको डन कर लेते हैं। अब जो गाइस हमारा पिक्सआर्ट का जितना भी काम है यहाँ पे खत्म होता है, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम मैप में। गाइस आप अपनी फोटो ले जाओ तो आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आपको उसको यहाँ पे माइनस करना है, एंड जो यहाँ पे हाईलाइट है इसको भी यहाँ पे थोड़ा माइनस करना है, एंड जो शेडो है इसको भी यहाँ पे थोड़ा माइनस करना है, एंड जो व्हाइट है गाइस इसको आपको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जो ब्लैक है गाइस इसको भी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर जाना गाइस आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको उसको माइनस करना है।
फिर जाना गाइस आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस है जो इसको प्लस करना है। फिर जाना आपको येलो कलर में इसका ह्यू माइनस करना है आप सभी को एंड सैचुरेशन प्लस करना है। फिर जाना आप सभी को डार्क ब्लू में जाना है एंड उसके बाद जो आपको इसका ह्यू है जो इसको माइनस करना है एंड सैचुरेशन प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो को डन कर देना है एंड यहाँ से आप सभी को जाना कलर के नीचे वाले टूल में। इस वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विग्नेट डालना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है आपको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। एंड नीचे मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाके शार्पनेस, तो आपको शार्पनेस बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको नॉइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटोज यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।